अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप गाड़ी रजिस्टर करना चाह रहे हों तो उसमें आया कि आपको गाड़ी की रसीद जो है उसकी ज़रूरत है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्टेड गाड़ियों की। इंपोर्टेड गाड़ी जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसके अंदर आपको गाड़ी की जो ओरिजिनल फाइल है वो देनी होती है। उसमें उसकी जो इनवॉइस आपको शोरूम से मिलती है या सेलर से मिलती है वो आपको जमा नहीं करवानी पड़ती। इसी तरह लोकल गाड़ी के अंदर भी जब आप गाड़ी खरीदते हैं, एक तो होती है जो कंपनी की इनवॉइस है उसको फाइल कहा जाता है, जो कंपनी इनवॉइस देती है वो तो आप जमा करवाते हैं, लेकिन जो आपको रसीद मिलती है, इनवॉइस मिलती है, पेमेंट रसीद मिलती है आपको सेलर से या जिस शोरूम से आप गाड़ी खरीदते हैं बाद में, वो आपने जमा नहीं करवानी होती, वो आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। यानी कि इम्पोर्टेड गाड़ी हो या लोकल गाड़ी हो, आपने रसीद अपने पास रखनी है, जो कि शोरूम की रसीद होती है, जो पेमेंट की रसीद होती है, जो गाड़ी की फाइल है वो आपने जमा करवानी है। अक्सर लोग ये जो इनवॉइसेस हैं ये भी साथ, यानी जो रसीद है ये भी साथ एक्साइज में जमा करवाते हैं, और बाद में जब उनको टैक्स में जमा करवानी पड़ती है तो वो उनको मिलती नहीं है। टैक्स को शोरूम में उनको जब जमा करवानी पड़ती है तो उनको वो मिलती नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये इनवॉइस आपने साथ जमा नहीं करवानी होती। इसी तरह जो उसकी ऑक्शन शीट है गाड़ी की, वो भी आपने जमा नहीं करवानी होती। ऑक्शन शीट भी जो है गाड़ी की वो आपके लिए है, वो एक्साइज का उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लिहाजा उसको भी आप कतन जमा करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्टली के इम्पोर्टेड गाड़ी के जो इंजन नंबर है वो डॉक्यूमेंट्स पर नहीं लिखा होता, वो गाड़ी के इंजन पर आपको देखना पड़ेगा, या जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसको कहें कि आपको फ्राहम करें। वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पर नहीं होता लिखे हुए इंजन नंबर्स जो हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाजमी चाहिए होते हैं। तो ये थी आज की कुछ यूजफुल और क्विक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।